गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में। आप लोग ने देखा होगा ओपन कास्ट कोल माइंस में कुछ भी है, आपने देखा होगा बेंचेस बना के डंपिंग की जाती है ना। तो डंपिंग क्या है, डंपिंग एरिया में क्या एक बेंच दो बेंच काम नहीं होता, कम से कम 14-15 बेंच 20 बेंच बहुत बेंच बाय बेंच बना के काम किया जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि स्टेबल करने, स्लोप स्टेबल वही है, उसकी हम स्टेबिलिटी बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि स्लोप अगर फेलियर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा डंप स्लाइड हो जाएगा, 50-100 साल की मेहनत पूरी पानी में चली जाएगी, है ना। तो हमको वही चीज़ करनी, स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में हम वही चीज़ जानेंगे क्या रहता है, किस तरीके से अपन मॉनिटर करते हैं उस चीज़ को, और किस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं, है ना, उसके लिए क्या मेथड्स रहती हैं, क्या चीज़ रहता है। तो आप देख लीजिए, ये लिखा है स्लोप स्टेबिलिटी। स्लोप स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन द ओपन कास्ट माइनिंग, है ना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जब कटिंग से हम मटेरियल उठाते हैं तो हम डंपिंग में जाके डंप करते हैं, वो डंपिंग एरिया पूरा रहता है, वो बेंच बना के पूरा काम करते हैं, वो स्लोप को स्टेबल रखा जाता है। तो स्लोप इज स्टेबल और नॉट डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्लोप स्टेबल है नहीं, ये डिपेंड करता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे, है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर एक से ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं कि स्लोप स्टेबल है, बट अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 से कम है तो वो स्टेबल नहीं होता, है ना। दैट इट इज कंसीडर टू बी स्लोप स्टेबल मीन्स द स्लोप फेलियर। भाई अगर 1.0 से कम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो अनस्टेबल माना जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है कि स्लोप क्या है, स्लोप स्टेबिलिटी क्या है, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। रॉक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मूविंग ऑफ हैवी मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें बेंच पे चलती हैं, डंपिंग पे जब जाते हैं टिपर्स चलते हैं, बड़े बड़े हॉल पैक्स चलते हैं, जब डंप करने जाते हैं तो हॉल रोड में जब डंपिंग की तरफ जाते हैं स्पीडली जाते हैं, लोड लेके पूरा गाड़ी जाती है, तो वो दबता है। तो स्लोप को स्टेबल रखने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं ना। तो फैक्टर्स कुछ हैं, रॉक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मूवमेंट ऑफ हैवी मशीनरी हो गया, ब्लास्टिंग की वजह से भी अगर ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो स्लोप फेलियर में प्रॉब्लम आ सकती है, स्लोप फेलियर हो सकता है, इसलिए ब्लास्टिंग ग्राउंड वाइब्रेशन अपने कंट्रोल करना पड़ता है। ये बस नहीं कि बगल में घर है या कुछ रेलवे साइड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब डंपिंग बगल में है, पहले उसको तो आप कंट्रोल करिए, वो स्लो फेलियर हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अपने को ब्लास्टिंग ग्राउंड वाइब्रेशन को कंट्रोल करके करना, पूरा देख के सब चीज़, ये फैक्टर्स को अपन देख के काम करेंगे। और वेदर कंडीशन क्या हो गया, पानी हो गया, सबसे ज़्यादा ओपन कास्ट माइंस में सबसे ज़्यादा खतरा, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कुछ भी हो गया, सबसे ज़्यादा खतरा पानी की वजह से ही होता है, पूरा डंप स्लोप हो जाएगा, पूरा स्लोप फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वेदर कंडीशन को देख के भी हमको, वेदर कंडीशन लिखा हुआ डिपेंड करता है स्लोप फेलियर। तो उसके बाद हो गया ज्योमेट्री ऑफ द स्लोप डंप डिज़ाइन। डंप डिज़ाइन स्टेज बाई स्टेज हम काम करेंगे, जो रहते हैं डंपिंग जो रहती है वो भी कई स्टेज में होती है, 3-4 प्रकार होते हैं उसके, है ना। तो हम जियोमेट्री ऑफ द स्लोप डंप डिज़ाइन, जियोमेट्री अपने को देख के चलना। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, अभी यहाँ देखो ये लिखा हुआ ना, हमने बताया था अभी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर एक से ज़्यादा है तो स्लोप को स्टेबल माना जाएगा ना। तो इसमें क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ द रेसिस्टिंग फोर्स एंड टू द ड्राइविंग फोर्स। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसमें क्या है कि रेसिस्टिंग फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा तो हम स्टेबल मानेंगे। अगर ये लिखा नोट्स में हमने लिख दिया, इफ़ द फोर्सेज दैट रेसिस्ट द मोमेंट आर ग्रेटर दैन थोज ड्राइविंग द मोमेंट, थोज ड्राइविंग द
मोमेंट द स्लोप इज कंसीडर्ड टू बी स्टेबल। अगर फोर्स जो उसमें लग रहा है मोमेंट ग्रेटर देन अगर ड्राइविंग ऑफ द मोमेंट है ना, तो स्लोप को स्टेबल माना जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लोप स्टेबिलिटी के लिए एक मशीन रहती है, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मेरी माइंड में है, डंपिंग को स्लोप स्टेबिलिटी रडार बोलते हैं, वो डंपिंग में सेट की गई है, देख ली स्लोप स्टेबिलिटी रडार। ये कुछ इस प्रकार की मशीन रहती है, ये डंपिंग में रखी जाती है, टॉप डंपिंग में ले जा के रखते हैं सबसे टॉप में, वहाँ से पूरी माइंस मोनिटर होती है। तो हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है ना, आप लिख लीजिए डेफिनेशंस वगैरह। द स्लोप स्टेबिलिटी रडार हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिमोटली स्कैन अ रॉक स्लोप टू कंटिन्यूअसली मोनिटर द स्पेटियल डिफॉर्मेशन ऑफ द फेस। ये रिमोटली पूरा स्कैन करती है, पूरे माइंस को स्कैन करती है ना, पूरा स्लोप फेलियर को इसमें देखिए लिखा रखा है, इसमें एंटीना वगैरह सब लगा हुआ है, स्लोप स्टेबिलिटी रडार ये रहा है, वाईफाई मॉडल नहीं लगा, वेदर एंटीना ही वेदरिंग को पूरा करता है, वर्चुअल पोर्टेबल नेटवर्क है ना, पूरा आसपास पूरा मॉनिटर करता है, इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। अब ये कुछ माइंस में काम करते हैं, ये देखिए करेंटली इन यूज इन सम कोल माइंस इन सेफ्टी रिलेटेड टू डंप फेलियर। डंप फेलियर को सेफ रखने के लिए स्लोप स्टेबिलिटी रडार लगाया जाता है। SSR आता है, तो SSR ऐसे क्वेश्चन में आता है, SSR का मतलब क्या होता है, तो कई लोग लिख लेते हैं सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, वो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल अब नहीं है, रेगुलेशन में हट गया है, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल की जगह में स्कैम्प आ गया, स्टार्ट अ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। SSR का मतलब है स्लोप स्टेबिलिटी रडार, ये ओपन कास्ट माइंस में रहता है ना, और जो SSR पहले था तो वो स्कैम्प हो गया है, वो अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ होता है, तो ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बॉस, बाद में फिर देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, नॉलेज गेन करिए थोड़ा सा, ठीक है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।